इटावा में भारतीय जनता पार्टी के जीत होने के बाद पार्टी कार्यालय में सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने इटावा की जनता को शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इटावा किला को ध्वस्त हो गया है, ध्वस्त भी ऐसा हुआ है कि अब कहीं भी कभी भी नहीं बन पाएगा। इटावा में कमल खिल गया है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेठी से चुनाव हार गए हैं। अमेठी नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहा है, जनता ने गठबंधन और कांग्रेस को नकार दिया है। जिस समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है इटावा को, वो गढ़ पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और ऐसा ध्वस्त हुआ है कि आगे वो खड़ा होगा नहीं। तीसरे जो मायावती जी हैं, जो केवल जाति आधार पर राजनीति करती हैं, दलित समाज ने भी आज उनको नकार दिया है। और आने वाले भविष्य में ये सपा बसपा दोनों दल